अच्छा जी, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब पी ब्लॉक में आपके पास ग्रुप 3A से लेके फ्रॉम ग्रुप 3A टू ग्रुप 8A कह लें और ग्रुप 0 कह लें, ठीक है, तो आप इसको कुछ भी जो है वो नाम दे सकते हैं। तो फ्रॉम ग्रुप 3A टू ग्रुप 8A और फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 0 जो है, यानी ये आपके मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं। ऑल ऑफ दीज आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और मेन एलिमेंट्स कह लें आप, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास मेटल्स टू नॉन मेटल्स, यानी इस ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी मौजूद हैं, मेटलॉइड्स भी मौजूद हैं, नॉन मेटल्स भी मौजूद हैं, तो मतलब इसमें आपको हर किस्म की प्रॉपर्टीज जो है वो मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल्स टू नॉन मेटल्स हर किस्म के एलिमेंट्स हैं, एंड देन नोबल गैसेस, जैसे ग्रुप एस ब्लॉक है उसमें सिर्फ मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स हैं, एफ में मेटल्स हैं, यहाँ पे आपको मेटल्स भी मिल रहे हैं, नॉन मेटल्स भी हैं एंड नोबल गैसेस भी हैं। तो आपको हर किस्म की, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं, तो ट्रेंड देखना जो है यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आप कहने के मुश्किल है, ठीक है। तो ये तो है सिंपल बात है पी ब्लॉक एलिमेंट्स से रिलेटेड। अच्छा, तो अगर हम इसमें एलिमेंट्स देखें, टोटल जो हमारे पास इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं 30 एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, टोटल 30 एलिमेंट्स पी ब्लॉक के अंदर, टोटल आपके पास 30 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 10 जो है वो मेटल्स हैं एंड 20 आर नॉन मेटल्स, 10 मेटल्स एंड 20 आर नॉन मेटल्स। फिर इसमें आपको ऐसे एलिमेंट्स भी मिलेंगे, यानी कि आपको रूम टेम्परेचर पे स्टेट सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, यानी आपको इसमें ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जो रूम टेम्परेचर में गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो वन लिक्विड, यानी फॉर एग्जांपल आपका जो ब्रोमीन है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसमें एक लिक्विड है हमारे पास, दैट इज ब्रोमीन, ठीक है। देन फिर उसके बाद 9 आर गैसेस, इसमें गैसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड देन नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये 9 गैसेस हैं, तो ये हो गए, और यानी इसमें आप काउंट अगर कर लें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नोबल गैसेस, तो दीज आर, एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड, मतलब 20 एलिमेंट्स आर सॉलिड, ठीक है जी। तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है पी ब्लॉक से रिलेटेड। इसमें स्टार्ट जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेटल्स जो हमें इसमें नज़र आते हैं ग्रुप 3A में, ग्रुप 4A में, ग्रुप 5 में और ग्रुप 6 में, मेनली मेटल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4A, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि मेनली मेटल्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 3A एंड 4A। इसके अलावा 5A और 6A के जो लास्ट के एलिमेंट्स हैं, जैसे 5A में एंटीमोनी और बिस्मिथ और ग्रुप 6 में पोलोनियम, ठीक है, ग्रुप 5 में, ग्रुप 3A जो है ये तकरीबन सारा मेटल्स का है एक्सेप्ट फॉर बोरॉन, बोरॉन को निकाल दें तो बाकी सारे मेटल्स हैं, ठीक है। ग्रुप 5 में कार्बन और सिलिकॉन को निकाल दें, गैलियम, टिन और लेड, ये मेटल्स हैं, ठीक है। ग्रुप 5A में लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं एंटीमोनी एंड बिस्मिथ, एंड ग्रुप 6 में पोलोनियम, तो ये आपके पास मेटल्स जो हैं वो आ जाते हैं ग्रुप 6 में, ठीक है जी। तो ये तो सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हमने देखिए। अब आ जाते हैं ग्रुप ट्रेंड्स के ऊपर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप दीज पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ग्रुप ट्रेंड्स, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ग्रुप ट्रेंड्स, तो अगर हम इनके ग्रुप ट्रेंड्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़ को जो हम देखते हैं दैट इज़ एटॉमिक रेडियस। एंड एटॉमिक रेडियस आप सबको, अभी मैं सिर्फ वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी क्लियर होंगे। तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस
डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, ठीक है जी, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में हो आप, चाहे 3A में हो 4A में हो, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, एंड अक्रॉस द पीरियड, यानी कि फ्रॉम 3A टू 8A इट डिक्रीजेस, ठीक है, और डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेल्स सेम है, तो शेल्स जो है वो थोड़ा श्रिंक कर जाते हैं, तो इट डिक्रीजेस, ठीक है। उसके बाद आयनिक रेडियाए है, सेकेंड ट्रेंड हमारे पास आ जाता है आयनिक रेडियाए। तो आयनिक रेडियाए जो है, नॉर्मली आयनिक रेडियाए इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब इसमें आपको कैटायनिक रेडियाए भी मिलेंगे और एनायनिक भी, क्योंकि मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, तो कैटायनिक रेडियाए वुड बी स्मॉलर देन इट्स एटम एंड एनायनिक रेडियाए वुड बी लार्जर देन इट्स एटम। ये आयनिक रेडियाए का ट्रेंड भी सिंपल है, तो मैं इसके सच में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। नेक्स्ट ट्रेंड आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस, ठीक है। किसी भी ग्रुप में आप होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स कम होती जाएगी, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ये सिंपल ट्रेंड है, ठीक है, ऐसा इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये आप सबने पढ़ी हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगेन फिर वही बात कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये कम होती जाएगी, ठीक है, आयनाइजेशन लेस एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड, ईजिली जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस हो पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं। देन फिर उसके बाद मेटालिक करेक्टर आ जाता है, मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी आप कह सकते हैं, ठीक है, मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। तो मेटालिक करेक्टर इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। और उसकी वजह क्या है कि मेटालिक नेचर क्या है कि हाउ इजीली एन एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन। मेटालिक करेक्टर इज बेसिकली, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें कि व्हाट इज मेटालिक करेक्टर, इट इज हाउ इजीली एन एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना आसानी से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन, जितना आसानी से कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा हम कहेंगे उसका मेटालिक करेक्टर उतना बेहतर है। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करना आसान होता जाता है, तो हम कहेंगे कि डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये सिंपल ध्यान में रखें कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो इट बिकम ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड इट डिक्रीजेस, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज वी आर गोइंग फ्रॉम लेट्स से बोरॉन टूवर्ड्स फ्लोरीन, इट डिक्रीजेस, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर ग्रिप बढ़ रही है, तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस पीरियड इट डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये सिंपल मेटालिक करेक्टर है। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। अब ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है, ये थोड़ा सा आप कह लेंगे कॉम्प्लिकेटेड है, एज देयर इज नो ट्रेंड इन ग्रुप 3A, ठीक है ना। ग्रुप 3A में आपको एज सच कोई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब
कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, नो ट्रेंड इन ग्रुप 3A, ठीक है। ग्रुप 3A में आपको कोई ट्रेंड नजर नहीं आएगा। ग्रुप 4 में कार्बन जो ग्रुप है आपका, कार्बन फैमिली जो है, इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं, बिकॉज कार्बन जो है ये जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो एज वी गो डाउन दिस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है। तो इन ग्रुप 4 इट डिक्रीजेस, बिकॉज इन ग्रुप 4 इट मेनली डिपेंड्स ऑन दी अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा रोल, बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि ग्रुप 4 में मेनली आपके पास मेटल्स हैं एक्सेप्ट फॉर कार्बन एंड सिलिकॉन, जिनके दरमियान स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, हम कहते हैं कि जी ग्रुप 4 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, ठीक है, उसके बाद लेड है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है, टिन है और लेड है, ठीक है, जर्मेनियम टिन लेड। अब इन दोनों में यानी वाई दी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन इज वेरी मच हायर, इन दोनों के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं दे आर वेरी मच हायर ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग, यानी बेसिकली ये क्या है, दे हैव जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। कार्बन एंड सिलिकॉन दे हैव जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं होती, कार्बन एंड सिलिकॉन इट इज जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, नो वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है जी। तो कोई वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग है, दैट्स व्हाई इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट जर्मेनियम टिन एंड लेड, तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड कर रही है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड कर रहा है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, ये मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेंगे। और क्योंकि मेटालिक बॉन्ड जो है ये वीक होता जाएगा, जैसे जैसे आपका एटम बढ़ रहा है, आयन का रेडियस बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन और आयन के दरमियान डिफरेंस बढ़ेगा, तो दी स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि दैट्स वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग। तो कार्बन और सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, कार्बन का सबसे ज्यादा है, देन सिलिकॉन, एंड देन इट डिक्रीजेस, ठीक है। तो इन ग्रुप 4 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, देन फ्रॉम ग्रुप 5, 6 एंड 7, ठीक है, इन ग्रुप 5, 6 एंड 7, फ्रॉम ग्रुप 5 to ग्रुप 7, ठीक है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इट increases down the group, because in group 5, 6 and 7 they are all of the elements are mainly metal, non-metals, and they are changing from gas towards solid, ठीक है। तो the intermolecular forces are getting stronger, यहाँ पे melting and boiling point depend कर रहा है intermolecular forces के ऊपर। हम कह रहे हैं कि the strength of intermolecular force is getting strong, is increasing, क्योंकि आप गैस से सॉलिड की तरफ जा रहे होंगे, तो द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये बढ़ रही है, इसी तरीके से ग्रुप 8 में भी जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, अगेन फिर वही बात, हालांकि वो सब गैसेज हैं, बट जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ ट्रेंड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आपको ट्रेंड सिंपल है बिल्कुल, आपने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़े हुए हैं, तो इसमें मतलब कोई ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। आप ये कहें कि इसमें कुछ नया जो है वो हम देख रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, ये तो हमने सिंपल प्रॉपर्टीज़ देखी, अब हम स्टार्ट कर देते हैं कंपाउंड्स, ठीक है जी। डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो हमने इसमें स्टडी करने हैं, जिसमें सबसे पहले कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हम यहाँ पे कंपाउंड डिस्कस करेंगे, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, यानी बेसिकली वो कंपाउंड्स जो इंडस्ट्रीज में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप पी ब्लॉक में से बोरॉन के कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बोरिक एसिड, ठीक है जी, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला है हमारे पास, दिस इज H3BO3, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्थो बोरिक एसिड,
H3BO3, इसको आप बोरिक एसिड भी कहते हैं एंड ऑल्सो नोन एज ऑर्थो बोरिक एसिड। बास जगहों पे आपको ये ऑर्थो बोरिक एसिड के फॉर्मूले से भी मिलेगा, ठीक है। और इसको लिखने का एक और तरीका भी है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन इन वन मोर वे, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म BOH3, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ऑल्दो इट इज एन एसिड, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं बिकॉज इट एक्ट्स एज अ लुइस एसिड एज वेल, ठीक है। ये प्रोटॉन डोनर भी है, इट डोनेट्स प्रोटॉन, ये थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान में रखिएगा कि इट डोनेट्स प्रोटॉन, डोनेट्स प्रोटॉन एंड एक्ट्स एज लुइस एसिड एज वेल, लुइस एसिड सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, एक्सेप्टर ऑफ OH-, ठीक है जी। तो इट डोनेट्स प्रोटॉन एंड एक्ट्स एज लुइस एसिड। अच्छा जी, तो बोरिक एसिड जो है इट इज कॉमनली नोन एज ऑर्थोबोरिक एसिड और सिंपली बोरिक एसिड भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है, बोरिक एसिड एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल मेटाबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड, ठीक है। तो मतलब बोरिक एसिड इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल मेटाबोरिक एसिड, ठीक है, HBO2, दिस इज मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। इसके अलावा इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन फॉर्म पायरोबोरिक एसिड, ठीक है, H2B4O7, दिस इज नोन एज पायरोबोरिक एसिड, ठीक है। बट हम नॉर्मली बात करते हैं बोरिक एसिड की या ऑर्थोबोरिक एसिड की, दैट इज H3BO3, यानी हमारे लिए बोरिक एसिड जो है वो क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड ही हमारे लिए बोरिक एसिड है। नॉर्मली हम इसी की बात करते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको हीट करते हैं अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बोरिक एसिड आपको ऑर्थोबोरिक के फॉर्म में मिलेगा। बट अगर हम इसको हीट करते हैं, यानी ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट्स इनटू दिस अदर फॉर्म्स, लेट से हमारे पास बोरिक एसिड है H3BO3, आपने इसको हीट किया एट अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको हीट किया, तो दिस विल लॉस ऑफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा एंड कन्वर्ट्स इनटू मेटाबोरिक एसिड HBO2, ठीक है, ये मेटाबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेटाबोरिक एसिड को अगर और फर्दर हीट किया जाए, ऑन हीटिंग HBO2, अगर हम इसको और फर्दर हीट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर अप टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाते हैं, ठीक है, इफ वी टेक टेम्परेचर अप टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल लॉस अनदर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप कहेंगे जी यहाँ पे तो वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो बेसिकली डिफरेंट मेटाबॉरिक एसिड्स विल रिएक्ट विद ईच अदर एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये जो मेटाबॉरिक एसिड्स हैं ये आपस में रिएक्ट करेंगे एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, लॉस अनदर वाटर मॉलिक्यूल H2O एंड दिस वुड फॉर्म पायरोबोरिक एसिड, यहाँ से बनेगा आपके पास पायरोबोरिक एसिड H2B4O7, ठीक है। तो अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम 4 लगा देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट मेटाबॉरिक एसिड्स आर रिएक्टिंग विद ईच अदर टू फॉर्म पायरोबोरिक एसिड एंड दिस पायरोबोरिक एसिड इज ऑल्सो नॉट स्टेबल, ठीक है। इसको अगर और ज़्यादा हीट किया जाए, लेट से अगर हम टेम्परेचर अप टू 240 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाते हैं या 250 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाते हैं, H2B4O7, इसको अगर और हीट किया जाए अराउंड एट 240 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो दिस विल लॉस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ से आप कह लें कि मजीद डिहाइड्रेशन होगी एंड नाउ वी गेट बोरिक ऑक्साइड B2O3, ठीक है जी। तो ये ऑक्साइड ऑफ बोरॉन जो है ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। तो ये सिंपल आप ध्यान में रखें, मीन्स मोस्ट स्टेबल वन इज ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड जो है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जब भी हमें बोरिक एसिड मिलेगा तो वो H3BO3 यानी कि ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, ठीक है। ये तो हमने जस्ट सिंपल फॉर्मूला वगैरह और ये देख लिया कि कौन सी फॉर्म जो है वो बोरिक एसिड की मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। तो एट नॉर्मली रूम टेम्परेचर जो है वो हमें बोरिक एसिड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, बट अगर उसको हीट करेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल लॉस करता जाएगा एंड कन्वर्ट्स फाइनली इनटू
बोरिक ऑक्साइड, ठीक है। प्रिपेरेशन देख लेते हैं इसकी, प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर बोरिक एसिड। हाउ टू प्रिपेयर बोरिक एसिड, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट प्रिपरेशन हैं, आपकी बुक में दो जो प्रिपरेशन यूज हुई है, दैट इज वन फ्रॉम बोरिक्स, ठीक है, और बोरॉन नाइट्राइड। बट इसके अलावा इसको कॉलमिनाइट से भी प्रिपेयर किया जाता है, बट वो क्या हम यहाँ डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ वही डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक की प्रिपरेशन है। डायरेक्ट आप रिएक्शंस जो हैं वो ध्यान में रख सकते हैं कि जो मतलब बेसिकली बोरिक एसिड जो है इसको हीट किया जाता है, बोरिक एसिड बोरेक्स से हम इसको प्रिपेयर करके देख रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम बोरेक्स। अब बोरेक्स क्या है ये भी हम आगे देखेंगे, ये भी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड ऑफ बोरॉन, ठीक है। तो बोरेक्स क्या है, Na2B4O7, इसको आप एनहाइड्रस भी कह सकते हैं, इस वक्त ये एनहाइड्रस है। इसको हम रिएक्ट करते हैं विद वाटर, ठीक है, आपने इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, और फिर उसमें आप यानी बेसिकली इसको हीट किया जाता है, आप इसको हीट करते हैं, लेट से आप इसको सिंपल बॉइल करते हैं, ठीक है, ये बॉइल किया जाता है एट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड देन फिर आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करते हैं, H2SO4, ठीक है। तो काफ़ी आप कह लें कि काफ़ी डेंजरस रिएक्शन हो सकता है, आप हीटेड वाटर के अंदर जो है वो H2SO4, तो बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन किया जाता है, एंड देन वी गेट बोरिक एसिड। यहाँ से आपको मिलता है बोरिक एसिड H3BO3 प्लस Na2SO4, ठीक है, यहाँ से आपको बोरिक एसिड मिलता है। देन फिर इस सोल्यूशन में से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो ये भी एक्वस होता है और ये भी एक्वस होता है। अच्छा, बोरिक एसिड के बारे में एक चीज़ ये ध्यान में रखें कि इट्स यानी कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। इसके बारे में एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है कि दैट इज कि बोरिक एसिड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में इतना ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता, बट इट गेट मोर सॉल्युबल इन हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर द परसेंटेज, या आप कह लें कि द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मीन्स आप कह लें कि एट अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या हम कहते हैं कि एट 37 और यानी कि जो रूम टेम्परेचर सपोज हम मान लेते हैं कि एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स इट गेट अराउंड 2.6, इसकी जो सॉल्युबिलिटी परसेंटेज है 2.6% ये डिजॉल्व होता है, ठीक है, एंड एट अराउंड 140 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर जो है वो 140 तक ले जाते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बल्कि आप इसको सिंपली 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लें, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये मतलब डिफरेंस मैं यहाँ पे शो करूँगा कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिस गेट अराउंड 40% सॉल्युबल, ठीक है जी, तो 40% यह डिजॉल्व हो जाता है। तो खैर ये आपको वैल्यूज को याद नहीं रखनी, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि दिस गेट मोर सॉल्युबल एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये बढ़ती जाती है, ठीक है। तो तकरीबन 100 डिग्री पर ये एक्चुअल तो जो है वो है कि 100 डिग्री पर 37% डिजॉल्व होता है, बट मैंने इसको 40% कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 37% डिजॉल्व होता है, बट मैंने इसको 40% लिख दिया, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि ये बेसिकली हाई टेम्परेचर है तो सॉल्युबल होगा, तो अगर आपने इसको कलेक्ट करना है तो आप टेम्परेचर को लो मतलब आपने इस मिक्सचर को कूल डाउन करना है, आप इसको ठंडा करेंगे, सोडियम सल्फेट विल रिमेन सॉल्युबल, दिस विल कम आउट एज क्रिस्टल्स, ठीक है। तो दी बोरिक एसिड कैन बी सेपरेटेड आउट, यहाँ से आप बोरिक यानी ये जो मिक्सचर बना है हमारे पास, इस मिक्सचर में से बोरिक एसिड को आप सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय कूलिंग, ठीक है। आप इसको ठंडा करेंगे तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इस मिक्सचर में से आपने बोरिक एसिड को कैसे सेपरेट करना है, बिकॉज इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, तो हम इसको पानी को मतलब सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे और ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। इसके अलावा वी कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम बोरॉन नाइट्राइड भी जो है वो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। बोरॉन नाइट्राइड क्या है, BN सिंपली, तो बोरॉन नाइट्राइड इज BN, ठीक है। इसको आप रिएक्ट करते हैं विद वाटर, हीट करते हैं, दिस कन्वर्ट्स इनटू बोरिक एसिड H3BO3 प्लस
अमोनिया, अगेन यहाँ से सेपरेशन जो है वो इसको ठंडा करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रिपरेशन हैं जो आपको ध्यान में रखनी है बोरिक एसिड की, कि किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। ये दो प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। ठीक है, तो हम जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। बेसिकली काफी सॉफ्ट होता है, इट हैज सम, आप कह लें कि इसका इट हैज अ सोपी फील, बिल्कुल ये जिस तरह से आप कह लें कि सोप की अपीयरेंस होती है, ये इसी टाइप का जो है, ये वाइट लस्ट्रस सॉलिड होता है। इट इज अ वाइट लस्ट्रस सॉलिड, वाइट लस्ट्रस सॉलिड एंड हैज अ सोपी फील, ठीक है जी, ग्रीसी फील होता है। बेसिकली इसकी लेयर्स होती हैं, जिस तरह आपने ग्रेफाइट की लेयर्स पढ़ी है ना, सेम इसी तरीके से इसकी भी जो है वो लेयर्स होती हैं, ठीक है। इट हैज दीज लेयर स्ट्रक्चर और वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं, दैट्स वाई वो हमें ऐसा ग्रीसी फील होता है, सोपी फील होता है, ठीक है। तो लेयर्स ग्लाइड, लेयर्स ऑफ BOH3, ठीक है, इसकी लेयर्स होती हैं जिनके दरमियान आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। तो लेयर्स ऑफ BOH3 ग्लाइड ओवर वन अनदर विच गिव्स ग्रीसी फील। ठीक है जी, बाकी हमने सॉलिबिलिटी की बात कर ली, ठीक है। इसके अलावा इट इज अ वेरी वीक एसिड, वेरी वीक एसिड, ठीक है, ये काफी वीक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, एक प्रोटॉन रिलीज करता है, ठीक है। तो लेट से आपके पास बोरिक एसिड है BOH3, नॉर्मली रिएक्शंस में हम इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, तो ये वाटर से OH जो है ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, यानी बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एज अ OH एक्सेप्टर के तौर पे यहाँ पे जो है वो एक्ट करेगा, मतलब बहुत ही वीक एसिड है, यानी आप यूँ कह लें कि ये पानी से भी वीक एसिड है। वाटर इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन, वाटर जो है ये H+ और OH में टूटेगा, H+ और OH- में टूटेगा, एंड दिस OH- वुड बी एक्सेप्टेड बाय बोरॉन, तो ये बन जाएगा BOH4- + H+। तो मीन्स ये एज कम्पेयर टू वाटर भी जो है, पानी के मुकाबले में भी इसकी एसिडिटी जो है वो कम है, तो मतलब बहुत ज़्यादा वीक एसिड, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसके अलावा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी वैसे जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमने मजीद इसके रिएक्शंस जो है वो नहीं देखने, जस्ट आप इसकी एसिडिक नेचर जो है वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, एक मिनट कीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड की अगर हम बात करें, तो अब बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे आपके पास हम कह रहे हैं कि एक्चुअल जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है कि जिसमें बोरॉन जो है ये अटैच्ड है विद 3 ऑक्सीजन, ठीक है, बोरॉन इज अटैच्ड टू 3 ऑक्सीजन, ठीक है, विद ईच ऑक्सीजन इट हैज 1 हाइड्रोजन, ठीक है, हर ऑक्सीजन के साथ जो है वो एक एक हाइड्रोजन है। तो ये इसका मतलब एक आप कह लें कि एक यूनिट हमने बोरिक एसिड का जो एक यूनिट है वो इस तरह से बी बोरॉन के साथ जो है ये 3 ऑक्सीजन अटैच है। अब बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव, ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या है, पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन हैं दीज आर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन आर पार्शियल
पॉजिटिव बिकॉज दे आर अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो दिस BOH3, दिस BOH3, लेट्स से दिस इज वन BOH3। अच्छा, अब इसको अगर हम थोड़ा सा आप कह लेंगे स्मॉल करके देखते हैं, ये तो हमने एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास ये एक BOH3 है, ठीक है, ये एक BOH3 है, H, इसी तरीके से हमारे पास एक और BOH3 है, लेट्स से ठीक है। तो अब क्योंकि ये भी पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना शुरू होंगे। दिस ऑक्सीजन वुड फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस वन, इसी तरीके से ये दिस वुड फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विद दिस वन, तो इस तरह से ये आप एक कह लें कि एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी, एक शीट बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड इन अ लेयर ऑल द बोरिक एसिड्स आर अटैच टू ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन OH के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे उससे ही आपस में कंबाइन हो रहे हैं, फिर ऐसे ही नीचे एक और लेयर बन जाएगी, तो ये लेयर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड हम ये कह सकते हैं कि दीज लेयर्स आर लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू फॉर्म इनफाइनाइट लेयर्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो BOH3 है, ठीक है, तो BOH3 या आप कह लेंगे बोरिक एसिड, इट फॉर्म्स व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स, ठीक है, इट फॉर्म्स व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स, ठीक है जी, जिसमें BOH3 यूनिट्स जो हैं दे आर लिंक टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू फॉर्म इनफाइनाइट लेयर्स, ठीक है। तो ये सिंपल हमने देख लिया कि दीज BOH3 यूनिट्स फॉर्म लेयर्स थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। एंड लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये आप ध्यान में रख लें, ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, दिस इज 3.18 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स, ठीक है, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10^-10 मीटर, ठीक है। एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वेंट वॉल अट्रैक्शन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दैट्स व्हाई दे ग्लाइड ओवर वन अनदर। तो ये हमने सिंपल बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर भी देख लिया और प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा जी बेटा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है बोरिक एसिड, क्लियर है सबको, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो बोरॉन का कंपाउंड आ जाता है, दैट इज बोरेक्स, ठीक है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड काफी जगह पे यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में, लेदर इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है, लेदर इंडस्ट्री में इसको टैनिंग के लिए, ठीक है ना, लेदर की टैनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो इसके यूजेस काफी ज्यादा है, यानी कि आप इसको काफी जगह पे जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं बोरिक एसिड को। अगर हम इसके यूजेस भी देख लें, ठीक है, आप कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड इन, सबसे पहली बात तो इट इज यूज्ड टू मेक बोरेक्स, ठीक है, यानी आप बोरिक एसिड्स, अभी हमने देखा कि बोरेक्स से बोरिक एसिड बनाते हैं, एंड बोरिक एसिड कैन ऑल्सो बी यूज टू फॉर्म बोरेक्स, बाद जगहों पे जहां बोरेक्स अवेलेबल ना हो तो वहां हम बोरिक एसिड को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं बोरेक्स के अंदर, ठीक है। तो इन लेदर इंडस्ट्रीज के काफी यूजेस हैं, टेक्सटाइल्स में इसका यूज है, ब्लीचिंग पर्पस के अंदर इसको यूज किया जाता है, फॉर ब्लीचिंग पर्पस, तो ये आप इसके यूजेस ध्यान रख। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है बोरॉन का, दैट इज बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स विच इज कॉमनली नोन एज सुहागा, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। अब बोरेक्स जो है ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है, ठीक है, एक्चुअल जो इसका फॉर्मूला है, दिस इज अ हाइड्रेटेड कंपाउंड, इसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O, ठीक है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं, एंड इन दिस फॉर्म वी कॉल इट सुहागा, ठीक है, अदरवाइज अगर ये सिर्फ आपके पास एनहाइड्रस है तो ये बोरेक्स कहलाएगा, देन इट इज नॉट सुहागा, ठीक है। तो जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो हम इसको जो है ये कह सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा इट इज ऑल्सो नोन एज, यानी अगर आप इसको केमिकल नेम दें तो दिस इज सोडियम टेट्राबोरेट
डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसका कॉमन नेम, केमिकल नेम क्या हो जाता है, केमिकल नेम है सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, विच इज ऑल्सो नोन एज और टिंकाल, ठीक है। ये नाम काफी इसका आप कह लेंगे कॉमन है, टिंकाल। प्रिपरेशन में अगर हम जाते हैं इसकी प्रिपरेशन, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोरिक एसिड, ठीक है। तो बोरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है विद कॉस्टिक सोडा और विद सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बोरिक एसिड H3BO3 रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा टू फॉर्म बोरेक्स Na2B4O7+7H2O। यानी बेसिकली यहाँ पे आपका जो बोरिक एसिड है वो एज एन एसिड एक्ट कर रहा है, एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें ये एज एन एसिड एक्ट कर रहा है और ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको रिएक्ट कर सकते हैं विद सोडियम कार्बोनेट H3BO3। बोरिक एसिड कैन ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इस रिएक्शन में भी ये एज एन एसिड एक्ट करेगा, दिस विल प्रोड्यूस सॉल्ट। यानी यहाँ पे जो बोरेक्स है ये एज अ सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, Na2B4O7+H2O+ carbon dioxide। तो ये वही सिंपल एसिड बेस्ड रिएक्शन हैं, कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, ठीक है। जिसमें यहाँ पे बोरिक एसिड जो है वो एज एन एसिड यूज हो रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट जो है ये एज ए बेस यूज हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अलावा हम बोरेक्स जो है इट इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर, ठीक है। इसका ओर भी है विच इज नोन एज कोलमेनाइट। कोलमेनाइट जो है ये ओर है जिसको जब हीट करते हैं और रिएक्ट करते हैं विद मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोलमेनाइट विच इज ओर, कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोलमेनाइट, ठीक है। ये बेसिकली ओर है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है अर्थ से, इसको हीट करते हैं, ठीक है। कोलमेनाइट क्या है, Ca2B6O11, ये बेसिकली कैल्शियम ओर है, B6O11, ठीक है। और आप इसको बोरॉन ओर भी कह सकते हैं, दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर मौजूद है। प्लस इसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और इसको हीट किया जाता है, ठीक है। हीट किया जाता है, बॉइल किया जाता है, तो इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट CoCO3 प्लस बोरेक्स Na2B4O7 प्लस सोडियम बोरॉन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको ये बोरेक्स मिलता है जिसको क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है, इट ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसको भी क्रिस्टलाइज सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो बाय क्रिस्टलाइजेशन आप इसको यहाँ से सेपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। एंड जब आप इसको पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हैं कि बोरेक्स जो है इट इज फॉर्म फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तो जब आप इसको पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा एंड फॉर्म अ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि ये ब्रेक डाउन होगा बोरिक एसिड में और सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो हाइड्रोलिसिस होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर इट हाइड्रोलाइजेस, मतलब ये पानी के पीएच को चेंज करेगा, इट हाइड्रोलाइजेस टू गिव अ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल ऊपर वाला रिएक्शन जो है ये रिवर्स हो जाएगा, Na2B4O7 reacts with water to give sodium hydroxide plus boric acid, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये आपने चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसके यूजेस हैं, कि कहाँ पे यूज कर रहे हैं आप इसको, ठीक है। तो इसके यूजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आप कह लेंगे कंपाउंड है ये, काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रहा होता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ यूज टू फॉर्म बोरेट ग्लास, बोरेट ग्लास जो है ये बनाने के काम आता है, ये यूज टू फॉर्म बोरेट ग्लास,
ठीक है, बोरेट ग्लास जो है ये बनाया जाता है विच इज हीट रेजिस्टेंट, काफी महंगा ग्लास होता है ये, ठीक है जी। पायरेक्स बनाया जाता है इससे, जो लैब लैब एपरेटस जितने भी होते हैं, केमिकल लैब एपरेटस जो मतलब आप कहने के कॉनिकल फ्लास्क वगैरह ये सब जो है वो इससे बनते हैं, ठीक है। ऑल्सो यूज टू मेक पायरेक्स, ठीक है। इसी ग्लास की एक और फॉर्म है जीना, तो ये मतलब ये आप कह लें कि जो स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास है वो इससे बन रहा होता है। और इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर की, ठीक है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एज अ वाटर सॉफ्टनर भी आप इसको यूज करते हैं, तो इट इज ऑल्सो यूज एज वाटर सॉफ्टनर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा केमिकल एनालिसिस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि ऐसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट वो कहलाता है बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। और तो ये बीट टेस्ट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट बीट टेस्ट जो है ये मेटल एनालिसिस के अंदर काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और लैब्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो मतलब एज अ लैब टूल जो है इसको यूज़ किया जाता है, बोरेक्स को यूज़ करते हैं मेटल एनालिसिस के लिए और ये बीट टेस्ट कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में जैसे हमने देखा कि मेटल एक्सट्रैक्शंस के अंदर भी आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यूज एज फ्लेक्स इन वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग के दौरान आपने किसी मेटल को मेल्ट करना होता है, ठीक है। तो फ्लेक्स क्या होता है, विच हेल्प्स इन मेल्टिंग दी अदर सब्सटेंस, बेसिकली जिस तरह हमने देखा था डाउन्स प्रोसेस में कैल्शियम क्लोराइड ऐड की थी टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे ही बोरेक्स भी ऐड करते हैं किसी वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस जिसको आपने एज अ वेल्डिंग मटीरियल के तौर पर यूज करना है, ठीक है। फ्लेक्स का मतलब यह है कि इट हेल्प्स इन वेल्डिंग, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो यूज्ड एज फ्लेक्स इन वेल्डिंग मीन्स इट इट हेल्प्स इन लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, एज एन इम्प्योरिटी आप इसको ऐड करते हैं, इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट को लो करता है ताकि वेल्डिंग जो है वो लो कॉस्ट वेल्डिंग जो है वो हो पाए, ठीक है। इसके अलावा इन मेकिंग ऑफ वॉशिंग पाउडर्स, वॉशिंग पाउडर्स की प्रिपरेशन में इसको जो है वो यूज़ किया जाता है, इन द मेकिंग ऑफ वॉशिंग पाउडर्स वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली बोरेक्स हो या बोरिक एसिड हो दोनों का एक ही यूज़ है लेदर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो लेदर इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं लेदर को टैन करने के लिए, ठीक है जी। तो ये कुछ हमने जो है वो बोरॉन के कंपाउंड्स देख लिए और ये बोरॉन केमिस्ट्री जो है ये हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, वो फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन? जी ये क्लियर है, बोरॉन बोरिक एसिड बोरेक्स रिएक्शंस वगैरह ये नाम वगैरह ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कहाँ यूज़ हो रहा है, कॉमन नेम्स जो हैं ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी।